Hello students, in this video today we will discuss the exact strategy, or you can say the efficient strategy, to cover CSAT. Because काफी सारे students मुझे पूछते हैं कि last के 50-60 days में CSAT कैसे cover करना है, because we all know कि it is a qualifying paper, but yes, over the years, जैसे कि हम 3 से 4 साल की बात करें तो CSAT काफ़ी डायनेमिक हो चुका है, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल उसका बढ़ गया है अगर हम लास्ट 3 to 4 years की बात करें. सो उसको कैसे कवर किया जाए, हाउ टू डू इट. सी देयर आर 2 to 3 things यू नीड टू डू इट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई प्रिज्यूम कि यू ऑल हैव प्रैक्टिस्ड थोड़ा बहुत CSAT तो आपने किया ही होगा लास्ट 1 साल के अंदर, या फिर स्कूल डेज में या फिर कॉलेज डेज में, जो कि बेसिक CSAT होता है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो कि आपका स्टैंडर्ड कहाँ पे है, एग्जैक्टली आपका स्टैंडर्ड कैसे रहता है. सो इन ऑर्डर टू नो दैट, वॉट यू नीड टू डू फर्स्ट इज यू नीड टू गिव द मॉक्स. नाउ व्हेन आई यूज द वर्ड मॉक्स, इट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप डाउनलोड कीजिए, और 3 से 4 साल का, जैसे कि हम 2023 में हैं, सो आई वुड सजेस्ट यू टू फर्स्ट ऑफ ऑल गिव 2022 पेपर, 2021, 2020 एंड 2019. नाउ द थिंग इज, जब आप ये 4 पेपर पहले आप लाइक अटेम्प्ट करोगे विद इन 2 आवर्स टाइम सेट, सो एक मार्क आएगा. यू कैन क्लियरली लाइक यू कैन कम टू नो एग्जैक्टली आपका कितना मार्क्स और कितना रेंज में आ रहा है. ठीक है, अगर आपका रेंज 70 से ऊपर है, 75 से ऊपर है, या फिर 80-85 है, तो यू डू नॉट नीड टू प्रैक्टिस मोर. आप और कुछ डायरेक्टली बाहर के बहुत सारे टेस्ट सीरीज के मॉक्स मिलते हैं, यू कैन डायरेक्टली प्रैक्टिस द मॉक्स. So you are on a safe side. Now if you are getting less than 70, because the passing mark is 67, 33% is the qualifying mark. So agar aap 67 se kam la rahe hain, ya fir 50s mein hai, ya fir 60s mein hai, so there is a problem. What you need to do is, you need to focus on some chapters. Aapko individually us chapter ka MCQs karna hai, ya fir practice karna hai. Now kuch chapters aise hain jo ki bahut universal hote hain, we all can practice. Jaise ki प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, फिर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, सिटिंग अरेंजमेंट, एजेस, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट. तो ये जो कुछ चैप्टर्स होते हैं जो कि काफ़ी यूनिवर्सल होते हैं, सो ये चैप्टर्स में एक दो क्वेश्चन एग्जाम पे यूजली दे आस्क, यूपीएससी आस्क, तो इतना आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. देन कमिंग टू कॉम्प्रहेंशन. नाउ कॉम्प्रहेंशन जो हम वैसे तो दिखने में बहुत ईजी लगते हैं, बट इट इज नॉट दैट ईजी, बिकॉज इंग्लिश का काफ़ी सारे ऑप्शन में प्रॉब्लम होती है. सो आई वुड सजेस्ट कि आप कॉम्प्रहेंशन का जो स्मॉल पैराग्राफ कॉम्प्रहेंशन होता है उसी को अटेंड कीजिए. जो बिगर कॉम्प्रहेंशन होता है वहाँ पर टाइम भी वेस्ट होता है और आंसर का क्लैरिटी भी नहीं रहता है. ओके, सो इट इज़ बेटर टू गो फॉर शॉर्ट कॉम्प्रहेंशन, बिकॉज अगर 25 to 30 कॉम्प्रहेंशन ओवरऑल आते हैं, उनमें से 8 या 9 शॉर्ट कॉम्प्रहेंशन रहेगा, तो उसको आप अटेंड कीजिए ज़्यादा, एंड फोकस मोर ऑन द क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग पार्ट एंड द टॉपिक्स आई हैव ऑलरेडी मेंशन. तो इस तरीके से अगर आप CSAT को कवर करेंगे, सो वेरी इजीली यू कैन क्रैक मोर देन 70-75, एंड इट इज द बेस्ट वे, आई फील इट इज द बेस्ट वे टू कवर CSAT अलॉन्ग विथ योर GS पेपर. थैंक यू.